अस्सलाम वालेकुम। आज के स्टूडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे, जिसका नेम है प्रेडिक्शन ऑफ टीवी शोज़ पॉपुलरिटी बेस्ड ऑन सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एक हमारे पास एडमिन पैनल होना चाहिए और एक हमारे पास यूज़र पैनल होना चाहिए। एडमिन पैनल में हमारे पास एडमिन लॉग इन करे, पेजेस को ऐड करे लाइक टीवी शोज़ वगैरह, और वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारे पास। ये बेसिकली कमेंट में हमने शो की है, एडमिन पैनल में हमारे लिए मुश्किल था। यूज़र पैनल हमारे पास है, यूज़र लॉगिन करना चाहिए, एडिट करिए अपनी प्रोफाइल को और पिक्चर वगैरह भी वहाँ पे डाल सके अपनी, यूज़र कमेंट्स भी कर सके, अपने कमेंट को भी देख भी सके। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड काम था वो ये था कि यहाँ पे हमने सेंटी वर्ड डिक्शनरी को यूज़ करते हुए अपने कमेंट्स को रैंक करवाना था। ठीक है, यूज़र कैन ईजिली डिसाइड वेदर द टी वी शो बाई एडमिन या सिस्टम इज़ गुड बैड या वर्स। ठीक है, तो हमने आपको एक फ़ाइल दी होगी ये वाली, ठीक है, ज़िप फाइल, जिसके अंदर आपका कोड पड़ा होगा, आपने उसको अनज़िप करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अनज़िप है, तो इसको आपने वील्स डो कोड के अंदर टर्मिनल के अंदर ओपन करना है। मैंने आपको बताया था किस तरह से ओपन करना है, यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूँ। हमारे पास क्योंकि दो यूज़र्स होंगे, इसलिए आपके पास दो ब्राउज़र होने चाहिए इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए। आपके पास एक लिंक आएगा जब आप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कमांड लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे ये वाली जो लिंक है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये आपका यूज़र पैनल हो गया और यहाँ पे आपने एडमिन पैनल यहाँ पे आपने ओपन करना है। तो लिंक में आपने क्या लगाना है, स्लैश एडमिन स्लैश, तो ये डायरेक्टली आपके एडमिन पैनल पे चला जाएगा। सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देख लेते हैं। यूज़र नेम आपका एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही होगा। ठीक है, एडमिन सबसे पहले क्या करेगा, शोज़ वगैरह को ऐड करेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट शो है, सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थर्ड कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो सेव करेगा इनको एडमिन, इनकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ लगा सकता है एडमिन। आपने ऐड शोज़ करवाने, यहाँ पे कम से कम 5 या 10 शोज़ आपके पास होने चाहिए। फिर आपने यूज़र को लॉगिन करवाने हैं, हमारे पास पहले से आई थिंक यूज़र यहाँ पे लॉगिन होगा। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन था, तो ये वाला यूज़र हमारे पास लॉगिन नहीं था, इसलिए एरर आ रहा है ये वाला, तो शायद ये वाला हमारे पास लॉगिन था। आप साइन अप भी करवा सकते हैं यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करके। मैं डायरेक्टली यहाँ से देख लेता हूँ कि हमारा यूज़र कौन सा था, तो हमारा Nasir12 का एक यूज़र था। ठीक है, तो या VUBWN12 हमारे पास एक यूज़र था, इसको हम लॉगिन करवा लेते हैं, या पासवर्ड हमारे पास अगर इसका पड़ा हुआ है तो इसको हम लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, प्रोटोटाइप से ऑनवर्ड हमने बनाया है। प्रोटोटाइप में हमारी मोस्टली जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई थी। यहाँ पे आपने कमेंट्स करने हैं, ये फर्स्ट शो, सेकंड शो या थर्ड शो आपके पास आएंगे, आपने यहाँ पे कमेंट करना है। जब आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, दिस शो इज़ वेरी गुड, आई वांट एवरीवन शुड सी दिस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रेटिंग आपने देनी है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 दे सकते हैं, मैं 6 कर रहा हूँ तो ये हमें एरर देगा। स्टार रेटिंग भी यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे देखें, वो कहता है आपकी वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। न्यूमेरिकल रेटिंग यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगी, लेकिन ठीक है, वो भी हमारी पुट हो गई है। ठीक है, क्या पता वो 10 out of कितनी हो। तो अभी हमने सेकेंड शो के ऊपर कमेंट किया था, हम व्यू कमेंट करते हैं थर्ड शो के ऊपर, तो ये कमेंट नहीं है हमारे पास, तो ये वाला शो हमारे पास था सेकेंड वाला। ठीक है, इसको व्यू कमेंट करते हैं, तो हमारे पास कमेंट आ गया, अभी हमने इस अकाउंट से हमने कमेंट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि कितनी एज वाले हमारे पास 21 से 30 की एज तक हमने कमेंट किए हैं। यहाँ पे मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, वो भी यहाँ पे आ गई है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आप प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, और चेंज पासवर्ड भी यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इसमें सेंटीवाइड डिक्शनरी हमारी यूज़ होनी थी, सेंटीवाइड डिक्शनरी के रिज़ल्ट हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि एवरेज सेंटीमेंट स्कोर इसका कितना है। अगर वो माइनस में होगा तो वो बैड शो होगा, अगर वो पॉजिटिव में होगा तो वो हमारा गुड शो होगा। ठीक है, तो ये कमेंट के भी लिखी हुई है रेटिंग्स,
कि वो कितनी है, ये हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका सेंटीमेंट लेवल, ये पॉजिटिव कमेंट है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव कमेंट है हमारे पास। ठीक है जी, तो ओवरऑल आपका ये प्रोजेक्ट था, बाकी ये थी आपकी वीडियो।